आ जा यार चुप, तू से भी बहुत धीरे चलता है। आओ आ रहा हूँ ना तुम्हारे पीछे, आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो गाइस यार चुप ने सुबह से टट्टे नहीं किए, तो इसको एक राउंड वॉक पे लेके जा रहा है तुम्हारा। और भाई क्या हाल है? अरे यार बोल तो ले कम से कम, आजकल के लोग। आओ कैसा है चोप? तुझसे भी बात नहीं करेगा, मुझसे ही नहीं कर रहा। तो आओ शमी, बेकार आदमी है यार बिल्कुल। वो तू जल्दी से फ्रेश हो ले यार, उसके बाद मुझे काम है, घर भी जाना है मेरे को। और वीडू क्या हाल है? मस्त ब्रो। गाइस यार यहाँ के लोग मेरे को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि यार गैंग में रहते हैं यार सारे के सारे। सही में आजा चोप, चलते हैं यहाँ से जल्दी से। अरे चोप क्या हो गया, क्यों रुक गया यहाँ पर? आओ क्या हो गया चोप? ओ गाइस मुझे समझ में आ गया, चोप तुझे क्या वो अगली लड़की पसंद आ गई। आओ हाँ ये मेरे दिल पर गम कर गए, गम घर कर गई होती है वो। आओ हाँ, ओए क्या नाम है तेरा स्वीटी, मेरे साथ चलेगी क्या? तो गाइस ये वो पल था जहाँ पर मुझे समझ में आ गया था कि चोप को एक लड़की पसंद आ चुकी है। आओ क्या नाम है तेरा, बता ना मेरे को। मेरा नाम है चोपरीना। आओ चोपरीना? हाँ। आओ ये तो मेरे नाम से मिलता जुलता है। अरे तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है चोप। अरे हमारा तो नाम भी आपस में मिलता है। आओ सुमित इसको अपने साथ ले चलना। गाइस यार मैं चोप की मन की बात समझ गया था, पर उसने खुद ही बोल दिया है। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई पूछने वाला है इसके मालिक से कि वो इसको कितने में बेचा गया। और भाई साहब हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ, कितने में दोगे इसको? हाँ ब्रोडू क्या तेरे को इसको खरीदने का? हाँ इसको खरीदने का मांगता उनको ब्रो। अरे बीड़ू ये अपने दिल की छल्ली है, छल्ली। अबे छल्ली है पर मेरी डोगी को ये पसंद आ गई, बता कितने पैसे लेगा? अरे बीड़ू अपन इसके बदले कम से कम 2 लाख रुपए मांगता। 2 लाख रुपए? चल ठीक है यार, मेरे चोप के लिए मैं 2 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। ले 2 रुपए शगुन दे रहा है ना तू अपनी डोगरी ना को। अरे बीड़ू नो प्रॉब्लम ब्रो। ओके तो गाइस यार मैंने इसके अकाउंट में रुपए डाल दिए। ओ भाई साहब तुम लोग देख रहे हो चोप और उसकी चोपरी ना कितने ज्यादा खुश है यार। आप लोग भी चाहते हो ये लोग हमेशा खुश रहे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आ जाओ जल्दी से। हाँ, मैं आ रही हूं। आओ भाग जल्दी, हमें अपने सुमित मास्टर के साथ जाना है। ओ गाइस यार कितना अच्छा लग रहा है, दोनों साथ में है तुम। आओ 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 चोपरी ना जल्दी आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, जल्दी आओ। आ रही हूँ चोप, आ रही हूँ। आओ देखो ये मेरा घर है, इसके अंदर रहेंगे हम दोनों। अरे ये तो बहुत अच्छा घर है चोप। आओ वो तो मुझे पता है चोपरी ना, आई लव यू। अरे चोप मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आओ ओ बेटे, ओ मेरी तो चैन कुली की मैन कुली, मेरी तो निकल पड़ी। ओए तो गाइस यार यहाँ पर चोप बहुत ज्यादा खुश था, पर एक दिन गाइस यार असल में चोपरीना को 2 कुत्तों ने घेर लिया और वो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। और गाइस यार अभी चोपरीना बहुत ज्यादा डर रही है, क्या यहाँ पर चोप आके अपनी चोपरीना को बचा सकता है या नहीं। और गाइस यहाँ पर चोप आ गया और ये क्या देख रहे हो गाइस यार, चोप ने आती अपनी चोपरीना को बचा लिया उन 2 गली के कुत्तों से। आओ मेरी चोपरीना को जो आठ लगाएगा मैं उसे मार डालूंगा, तू फिर से कर डालोगे ये ले। अरे चोप तुम तो मेरे हीरो हो। गाइस पर ये सब एक छोटा सा सपना था, असल में हुआ ये था। अबे ओए डॉन बन रहे तू ये ले। अरे मेरे चोप को मत मारो। आओ मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर आओ मत मारो। हाँ डॉन बनेगा तू, एक एक डॉगी के आगे डॉन बनेगा तू, तुझे भी बताता हूँ मैं है तेरी ऐसी। और गाइस यहाँ पर उल्टा हो गया, चोप ने तो सपना लिया था कि वो दोनों कुत्तों को हरा सकता है, पर यार चोप को बहुत बुरी तरह मारा था उन कुत्तों ने। पर गाइस यहाँ पर चोपरीना ने क्या बैंड बजाई उन दोनों कुत्तों की, मजा आ गया देख के। अरे चोप तुम ठीक तो ना? चोप बाबा चोप खड़े हो जाओ, चोप जल्दी से हमें घर जाना है, चोप चोप। और गाइस यार वो फाइट देख के मेरे को ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि यार डोगरी ना बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, वो चोप के लिए कुछ भी कर सकती है और चोप हमारा बिल्कुल कद्दू है जैमी। आओ ऐसे मत बोल यार सुमित। गाइस यार यहाँ पर चोप की तो लाइफ सेट थी क्योंकि उसको अपनी चोपरीना मिल गई थी, पर यहाँ पर तुम्हारे भाई के लग गए थे क्योंकि तुम्हारे भाई को इन दोनों की टट्टी उठानी पड़ती, क्योंकि पहले चोप इतनी करता था तब ये भी इतनी करती है। अरे सुमित भैया उठा लो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत थोड़ी है, चोपरीना और चोप के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? अबे तू भी तो उठा सकता है ना। अरे सुमित भैया मैं तो रैप करने में बिजी हूँ, मैं कैसे हेल्प करूंगा तुम्हारी, चोप का चल। आओ मस्त है, मस्त है। हाँ, बहुत मस्त चले ने। आओ आओ ओ हमारी तो जीभ भिड़ गई। अरे चोप तुमने आज कोलगेट नहीं करी लगता। आओ हाँ मैं भूल गया टॉयलेट करना। अरे कोलगेट? आओ हाँ टॉयलेट और कोलगेट दोनों करना भूल गया, अभी मैं जाता हूँ थोड़ी देर में करने के लिए। अरे चोप देखो देखो चैनल पर क्या चल रहा है।
आओ, कितने क्यूट पपीज है ना। अरे चुप, हमारे भी कोई बच्चे होने चाहिए ना। आओ, मैं भी चाहता हमारे भी ऐसे क्यूट पपी, तो देख कितने ज्यादा प्यारे, ले ले ले, कितने प्यारे बच्चे हैं। चुप, सही कह रहे हो, सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, काश हमारे भी बच्चे होते। ये सुन के यार चुप को बहुत दुख लगा, क्योंकि यार उनके कोई बच्चे नहीं, तो यहाँ पर चुप विश मांगता है, आओ मैं चाहता हूँ कि वो परी आकर हमें भी बच्चे दे। अरे चुप, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। आओ टेर लियो कुछ भी, आओ चोपरी ना, चल यार बहुत ज्यादा रात हो गई, हमें जाके सोना चाहिए, वरना सुमित और सिंचन सुबह लड़ेंगे हम दोनों को। हाँ चलो चुप चलते हैं। आओ चलो सो जाते हैं। तो गाइस यार वहाँ पर चोप और उसकी चोपरी ना खराटे मारकर सो रहे थे, पर गाइस यार चोप ने एक विश मांगी थी, आप लोगों को याद होगा कि यार चोप के भी बच्चे हो, और डोगरी ना और चोपरी ना ने भी यही विश मांगी थी, और गाइस यार उसी रात उन दोनों की विश असल में पूरी होने वाली थी, क्योंकि यार उस रात आई थी वो जादुई परी आसमान में से घूमती हुई चोप और चोपरीना के पास, और गाइस यार चोप ने सच्चे दिल से ये विश मांगी थी, तो यार परी को तो आना ही था ना, और चोपरीना को खुश करने के लिए तो चोप कुछ भी कर सकता है। तो गाइस देखो परी आ चुकी है। चोप, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपनी चोपरीना के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो इसलिए मैं तुम्हें मंगी पूरी करती हूँ, मैं तुम्हें बच्चे देती हूँ, ये लो तुम्हारे प्यारे पपीज। तो गाइस यहाँ पर अगली सुबह हो चुकी थी, और चोप और चोपरीना को पता भी नहीं था यार असल में उनके बच्चे हो गए, परी आकर उन दोनों को बच्चे दे चुकी है, और गाइस यार वो दोनों खराटे मार के सो रहे थे, और तभी उनके पपीज ने भौंकना शुरू करा, और वहां पर चोप और चोपरीना जग गए। आओ, अरे ये क्या है। अरे चोप, ये क्या है। आओ, मेरे को लगता है जादुई परी ने हमारी सुन ली और उसने हमें बच्चे दे दिए। अरे चोप, तुमने सच्चे दिल से दुआ मांगी थी, इसलिए बच्चे तो हमें मिलने थे ना। आओ चोपरी ना, अब तो तुम खुश हो ना बहुत ज्यादा। अरे चोप, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। आओ हाँ चोपरी ना, बहुत मजा आ रहा है। गाइस यार यहाँ पर ये सब देख के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए, चोप और चोपरीना के बीच में जो प्यार था वो बहुत ज्यादा अटूट और बहुत ज्यादा प्यारा था। आओ चोपरीना, मैं तो भूल गया, हम गिनतो लेते हमारे कितने बच्चे हैं। हाँ क्यों नहीं, गिन लो जल्दी सी। आओ, अरे ये क्या, ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा मैं खोटू। अरे चोपरीना, इसे देखो ये कैसे हंस रहा है, खेल रहा है। अरे चोपरीना, ये तो देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ चोप, मेरी तरह, और वो वाला बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मम्मी मम्मी मम्मी, आओ देखो ये वाला भी मेरी तरह है, मतलब दो बच्चे हमारे मेरे ऊपर गए हैं और एक तुम्हारे ऊपर। पापा पापा, मम्मी 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 पापा। ओ गाइस यार सेमी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और गाइस यार यहाँ पर चोप और चोपरीना के चार बच्चे थे, और गाइस इनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इनका नाम रख लेते हैं हम 1 2 3 4। इनका नाम रख दिया हमने 1 2 3 4। नाइस नाइस नाइस। अरे बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा, अरे ये कौन है। अरे चोप, ये कौन आ गए। आओ ये हमारे बच्चे। क्या ओ बेटे, इतने सारे छोटे छोटे पपीज, ओ कितने ज्यादा खूबसूरत है ये, ओ मेरे साथ नाचोगे। मैं तुम्हारा सिंचन अंकल, चलो मेरे साथ नाचो, ठुमक 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 के टिंडे ठाले टू, चलो नाचो मेरे साथ। सुमित भैया बाहर आओ जल्दी सी, देखो ये क्या है, इतने सारे पपीज हो गए चोप और चोपरीना के, जल्दी आओ बाहर, निकल के पागल हो गए हो क्या, जल्दी आओ। अरे चोप एक बात बताओ, कि ये वाला कुत्ता इतना ज्यादा मरियल क्यों है, क्या इसको कुछ खाने को नहीं दिया क्या, देख कैसे छोटा सा है सबसे। अरे गाइस यार क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है सिंचन, क्या हो गया सिंचन। अरे सुन पे देखो, ठुमक ठुमक के टिंडे खा लो तुम। अबे भाई साहब ये क्या है। अरे सुन पे चोप और चोपरीना के पपीज हो गए। ओ भाई साहब कांग्रेचुलेशन चोप, आओ शुक्रिया शुक्रिया। ओ गाइस यार देखो चोप के पपीज हो गए छोटे छोटे, कितने क्यूट है। अबे वो वाला इतना कुपोषित क्यों, इतना पतला क्यों है वो। आओ अब तुम ऐसे मत करो, एक बच्चा छोटा भी होता है। अच्छा अच्छा गाइस यार ये वाला तो ऐसा लग रहा है इसको कुछ खाने को ना दिया, कितना ज्यादा पतला और कितना ज्यादा कुपोषित है। टेंशन मत ले, मैं इसको ब्रेड पकौड़े खवाऊंगा डेली। और इसको देखो भाई कितना बड़ा है, ये सबसे मोटा है यार, सबसे गेंडा, देख कैसे उछल रहा। ओहो 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 ओहो, अरे सुन ये तुम पागल हो गए हो क्या। अबे भाई बहुत ज्यादा क्यूट है ये सब लोग यार, मजा आ रहा है मेरे को। ओ एक काम करता हूं यार, मैं अपने सभी दोस्तों को बुला लेता हूं। तो गाइस यार मैंने अभी अपने सारे दोस्तों को फोन मिला दिया है, और उनको बता दिया कि चोप और चोपरीना के बच्चे
हो गए, उनके बहुत छोटे छोटे पपीज हो गए। देखते यार वो लोग आएंगे, देखते उनका रिएक्शन क्या होगा गाइस यार। अरे सुन यार, सारे लोग आ गए। ओ बेटे गाइस यार, मेरे सारे दोस्त आ गए। और ये ड्राइवर क्या कर रहा है भाई साहब, ड्राइवर के बच्चे, ये क्या कर रहा है तू? ओ यार सब कुछ कितना सुंदर और कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आओ मुझे भी बोट में जा रहा है। अरे समित भैया ये देखो, ये ड्राइवर अंकल क्या कर रहे हैं। अबे ड्राइवर अंकल, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उसको हाथ मिलाओ। अरे अरे यार ये बात नहीं मान रहा मेरी। अबे एक काम कर, ऊपर उछल, उल्टी कुलाटी मार। अरे यार वो पागल हो क्या, वो देखो हाथ मिलाना चाहता है तुमसे। आ हाथ मिला ले। ऐ गंदा कुत्ता, मेरी बात नहीं मान रहा। गाइस यार ड्राइवर तो इसको ऐसे रख रहा है जैसे यार इसका बच्चा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर मेरी तरह, ये ये ये। मैं तो हाथ मिलाना चाहता हूँ अंकल। और गाइस यहाँ पर देखो, ये मेरी दोस्त है। और गाइस यार इसके साथ वो मोटा वाला कुत्ता चौप का, देखो कैसे कर रहा है, आओ काओ काओ काओ। कितना ज्यादा फनी है यार, सही में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो यार इन लोगों को घुमाने ले चलता हूँ। तो गाइस यार अभी मैं और लेमार आ चुके हैं इन सभी पपीज को लेके बाहर गार्डन में घुमाने के लिए। चलो भागो मेरे साथ, देखते तुम में से कौन सबसे तेज दौड़ता है। अरे समित भैया वो तो नाम के कुत्ते हो, तुम तो असल के कुत्ते हो, सबसे तेज तो तुम ही दौड़ोगे। सिंचन तेरे को मेरी बेइज्जती करनी आज का जरूरी है क्या? अरे समित भैया क्या ही बताऊं तुमको अब। ओ भाई साहब, आओ आओ भागो मेरे पीछे। नाइस नाइस। ओ गाइस यार मजा आ रहा है सही इनको खेलने में अपने साथ। ओके अभी रुक तो यार, इनकी ताकत देखता हूं। ओए चल तेरी ऐसी। हां कल मारा रे, तेरे को छटांगा नहीं। अरे समित भैया क्या कर रहे हो? अबे मुझे बचाओ ना। देखते गाइस यार ये पपीज मेरे को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। अरे तुम्हारे सुमित अंकल को ये लोग मार रहे हैं। अरे सिंचन तू ही बचा ले मेरे को। अरे समझे तुम्हें थोड़ा पिटना चाहिए। अबे यार मेरे को लगा तुम लोग मेरी मदद करोगे, तुम तो बड़े बेशरम हो। आओ कोई भी पपी आगे नहीं जाएगा, इसको पिटने दो। गाइस यार ये सब सेमी बेशरम है, मेरे को पिटवाने के लिए तो सब लोग खुश है। अबे मेरे को खुद की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अबे लेमार तू तो आजा। अरे नहीं यार मेरे को पड़ना ही नहीं इन मैटरों में, मेरे को खुद इन लोगों को बजाना पड़ेगा। हम भी तो यार एक दो मुक्का जो खा लिया, ये लोग तो खुद को शहन से समझ रहे हैं सही भी। आओ सुमित को तो पिटाए होगा। हां सही कह रहे हो। अबे यार चौपरी ना तू भी चौप की साइड ले रही है, गंदी बात है यार। तुम लोग मुझे साथ में मिलके पिटवाते हो, बहुत गंदे हो तुम लोग सारे के सारे, बहुत गंदे। अरे चौप तेरा एक पप्पी यहाँ पर अकेले क्यों खड़ा है? अबे भाई साहब क्या हो गया? अरे मुझे लगता है इसको टट्टी आ रही है। सही कह रहे हो चौपरी ना, मेरे को भी ऐसा लगता है इसको टट्टी आ रही है। अबे टट्टी कर ले अपना ही गार्डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां समित भैया के ऊपर करते जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अ फनी जोक, बकवास करा लो कितने भी, आ जाओ आ जाओ झूलों पे झूलेंगे। जल्दी आओ यहाँ पर सारे सारे, जल्दी आओ जल्दी, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ आओ। इस पागल के साथ कोई नहीं जाएगा, चोट लग जाएगी। अबे यार चोप उनको खेलने देना, तू तो ऐसे उनको कमांड दे रहा है यार हर चीज का। आओ मैं उनका पापा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को चोट आए। हाँ, मैं चौप के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अरे सिमदे वो सही तो कह रहा है, किसी जानवर के साथ खेलना अच्छी बात थोड़ी होती है। हाँ तू मेरे को जानवर बोल रहा है। हाँ सुमित भैया तुम सबसे बड़े जानवर हो यहाँ पर। गाइस गाइस यार मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है क्योंकि यार हम लोग जब पार्क के अंदर खेल रहे थे ना, इन लोगों ने देख लिया था कि हमारे पास इतने छोटे छोटे पपीज है और यार यहाँ पर ये सारे पपीज को ले जाना चाहते हैं। अरे प्लीज मेरे बच्चों को किसी को मत देना, प्लीज प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। गाइस यार मैं किसी को देना नहीं चाहता, पर गाइस यार इतने सारे पपीज को हम लोग अपने साथ रखेंगे कैसे? आओ सुमित तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा नहीं होगा मैं मेरे बच्चों को किसी को नहीं दूंगा। गाइस यार मैं भी नहीं चाहता यार चौप के बच्चे कहीं पर जाए, पर यार इतने सारे लोग असल में चौप के बच्चों को लेने आए क्योंकि हर कोई चाहता है उनके पास ऐसा क्यूट पपी हो। ओहो गाइस यार मैं क्या करूं मैं क्या करूं। गाइस यार तुम लोग बताओ आखिर मैं डॉगीज का क्या करूं, इतने सारे क्यूट पपीज का क्या इन लोगों को इनको दे दूं, क्या पता ये इनको भूखा रखे या फिर इनको यार गली के कुत्तों की तरह छोड़ दे। अरे समित भैया हमें अरे दोस्ती बताएंगे हमें कुछ तो। गाइस यार तुम लोग ही बताओ आखिर मैं इतने सारे पपीज का क्या करूं, जो तुम लोग कहोगे मैं अगले गेम प्ले में वही करने वाला हूं। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए भूले भटके याद तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में, जब तक ले सायोनारा।